शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। नगर निगम सेक्टर 12 में एसडी विद्या मंदिर स्कूल के सामने बनाएगा वातानुकूलित ऑडिटोरियम, 66 करोड़ आएगी लागत, इसके लिए सीएम ने जारी किया है फंड। औद्योगिक शहर की 28 स्लम बस्तियों का होगा कायापलट, बस्तियों में सभी सुविधाएं कराई जाएंगी उपलब्ध, 40 करोड़ हुए मंजूर, पहले चरण में 8 कॉलोनियों में करवाया जाएगा विकास। औद्योगिक सेक्टर 25 और 29 सहित गोहाना रोड, असंध रोड फरवरी तक होगा जगमग, स्ट्रीट लाइटों के लिए निगम ने जारी किया टेंडर, इन क्षेत्रों में लगेंगे डेकोरेटिव पोल और फैंसी एलईडी। मतलोड़ा थाना क्षेत्र के गांव में 3 साल की एक बच्ची के साथ उसके पिता के दोस्त ने ही किया दुष्कर्म का प्रयास, बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी हुआ फरार, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं, थाना चांदनी बाग और सेक्टर 29 थाना पुलिस के अंतर्गत हुई चोरी की 3 घटनाएं, पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में परिजनों ने जताया रोष, लगाए हत्या के आरोप। साइबर ठग मोबाइल पर मैसेज और लिंक भेजकर 4G सिम को 5G में अपग्रेड कर लोगों को कर रहे हैं ठगने का प्रयास, डीसी सुशील सारवान ने जिला वासियों से की सावधान रहने की अपील। एंटी व्हीकल थेफ्ट की टीम ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को काबू कर आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 2 बाइकें की बरामद। कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर आसपास के गांव से आए श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई डुबकी, नदी घाट पर रही दिन भर रौनक। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।